नमस्कार दोस्तों, आज हम सेवरलेट इंजॉय का रियर सस्पेंशन को मॉडिफाई करने वाले। तो उसमें हम टेनिस बॉल का यूज़ करके उसको मॉडिफाई करने वाले। बट अभी टेनिस बॉल जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसके लिए इसमें गर्म पानी में डाल के उसको थोड़ा सॉफ्ट कर रहे हैं ताकि वो इजीली स्प्रिंग के अंदर चले जा सके। क्या होता है कि जब 3 से 4 लोग जैसे ज़्यादा बैठ जाते हैं तो उसकी वजह से गाड़ी नीचे दब जाती है और उसका जो बुशिंग वगैरह कटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और उतना टेंशन नहीं उठा पाती गाड़ी क्या स्प्रिंग। उसके वजह से हम महिंद्रा जैलो में अल्टो की स्प्रिंग डाल के एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुके हैं, बट इसमें वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि जो इसकी स्प्रिंग है उसमें दोनों साइड से लॉक है। मीन्स मतलब अगर मैं अल्टो की स्प्रिंग अगर मैं डालता बोल रहा हूँ अलग से तो वो पॉसिबल नहीं है उसके अंदर जाना। उसके लिए मुझे उसको स्प्रिंग को कट करना पड़ेगा, उसके बाद वो स्प्रिंग डालेगा। बट भैया की रिक्वायरमेंट थी कि भैया मुझे कुछ तो मॉडिफाई करना है ताकि पीछे में अगर मैं लोग बिठाता भी हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और गाड़ी उतने लोगों का वेट आराम से उठा सके। तो उसके लिए हमने अभी ये टेनिस बॉल है विक्की कंपनी का, अच्छा है वो, क्वालिटी भी बहुत इतना हार्ड है कि आप देख ही रहे होगे कि इसको इतना प्रेशर से पुश कर रहा हूँ फिर भी वो जा नहीं रहा। बट अभी उसको कैसे रखे ऐसा तो डालना ही था, तो हमने फिर उसको बाहर निकाला और उस स्प्रिंग के अंदर में उसको डलवाया। तो आप देख लीजिए कि हमने कैसे कैसे डाला है। वो गर्म पानी है, गर्म पानी करने से शायद वो रबर सॉफ्ट आ जाता है, उसके लिए गर्म पानी से हमने उसको ट्राई किया बट वो भी प्रॉपरली पॉसिबल नहीं हो पाया। उसकी वजह से फिर हमने वो शॉक ऑब्जर्वर का उसका नट निकल के बाहर ही निकाल दिया स्प्रिंग। अब देख रहे हैं कि अब स्प्रिंग बाहर निकाल लिए। इसमें जो है इसमें पैड है, कॉइल पैड है, कॉइल पैड भी अपडेट करने की सोच रहे थे बट वो नहीं मिल पाया। आप देख रहे होंगे कि ये स्प्रिंग के अंदर में ऊपर में देखिए इसमें एक लॉक है और दोनों साइड से लॉक है जिससे जो अल्टो की स्प्रिंग है वो उसमें पॉसिबल नहीं था जाना। महिंद्रा जैलो की जो स्प्रिंग है उसमें और ईजीली चली गई बट इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें जो ऊपर में जो लॉक है वो टर्न है, मतलब छोटा पोर्शन है, उसकी वजह से वो जाने उसको कट करना पड़ेगा। बट और कट करके और उसमें डालना और सपोज ओवर नहीं जाती है तो फिर वो बिगड़ जाएगा, काम ही पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो हर गाड़ी में तो पॉसिबल नहीं है, हर गाड़ी का अलग अलग डिज़ाइन होता है स्प्रिंग का, कॉइल स्प्रिंग का, उसकी वजह से। अब इसमें तो हमने एक ही इसमें 6 टेनिस बॉल डाले और उससे क्या हो जाएगा कि इसका जो टेंशन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जिससे अगर आपके गाड़ी में अगर 3 जैसे अभी इसकी जो 7+1 की कैपेसिटी है, सो अगर सपोज एक दो लोग ज़्यादा बैठ भी जाता है या फिर कभी गड्ढे में चली भी जाती है गाड़ी तो आपका सस्पेंशन मारने खाएगा और आपकी जो चेसिस है बॉडी है उसमें कोई मतलब बुशिंग में कोई आपको मतलब उतना डैमेज नहीं पड़ेगा, तो आपका गाड़ी इजीली उसका वेट उठा लेगी। और ये जो है दोनों साइड में कराया, ऐसा नहीं है कि एक ही साइड में कराया है, इस साइड में भी करा लिया बट मैंने वीडियो एक ही वन साइड का ही निकाला हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है कि उसके वजह से और आपको भी बोर हो जाते हैं उसकी वजह से। तो देख लीजिए, और ये जो टेनिस बॉल है एक्चुअली टेनिस बॉल टेंशन है कि जब वो दब जाता है तो वो इजीली अपने ओरिजिनल शेप में भी आ जाता है और टेंशन क्रिएट करता है। बट टेनिस बॉल जो है वो जल्दी फूटता नहीं है और अगर आप स्टम्पर लेते हैं या मोंटेस्कर लेते हैं बॉल क्रिकेट बॉल तो वो रबर का होता है तो उसकी वजह से ये फट जाता है। बट इसमें क्वालिटी बेटर यूज़ की जाती है टेनिस बॉल में और लचीला होता है तो उसकी वजह से आपका टेंशन भी क्रिएट करता है बट स्प्रिंग के मुकाबले नहीं करता है। बट जिस गाड़ी में पॉसिबल ही नहीं है जो गर्म कुछ उसमें स्प्रिंग डाल सके, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा कि इसमें स्प्रिंग ही नहीं जा रही है, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो टेनिस बॉल भी मैंने इसके पहले भी मेरे महिंद्रा जैलो में मैंने यूज़ करा हो बट वो मुझे 2 साल तक मुझे अच्छा टेंशन दिया उसने, बाद में फिर वो सॉफ्ट आ गया तो उसके वजह से फिर वो नॉर्मली जैसी गाड़ी थी मेरी वैसी हो गई है। बट वो जो मैंने टेनिस बॉल बुलाए थे वो मैंने अमेजोन से बुलाए थे तो बहुत ज़्यादा मतलब सस्ते में लिया था तो वो उतनी क्वालिटी नहीं थी और लोकल क्वालिटी है। ये जो है ये विक्की कंपनी की है और ये मुझे 60 रुपीज़ पर पीस पड़ा मुझे, ये ऐसे मैंने 12 लिया है। ठीक है, आप चाहे तो स्प्रिंग भी डलवा, मेरे हिसाब से तो जो स्प्रिंग है वो परमानेंटली इलाज है उसका, बेटर देन टेनिस बॉल, क्योंकि जो टेनिस बॉल है वो कुछ दिनों के बाद में उसका टेंशन चला जाएगा, वो सॉफ्ट आ जाएगा। बट अभी भैया ने बोले कि कुछ करना है तो
ट्राई करके देख लिया हमने, और वैसे भी ये मुझे पता था क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी में यूज़ करा है, वो तो मुझे इसके बारे में भी नॉलेज है। बट मैं भैया को बोला कि भैया 2 साल बाद फिर से आपको वही चेंज कराना पड़ेगा, तो भैया बोल रहे थे कि ठीक है 2 साल के बाद में टेनिस बॉल ना डालते हुए अपन उसको कट करके वेल्डिंग की मशीन से जाके उसकी उसको कट कर देंगे और उसके अंदर में अल्टो की स्प्रिंग डलवा देंगे। देख रहे आप मैं नीचे नीचे आ रहा है, जैसे जैसे जैक उतर रहा है वो नीचे नीचे आ रहा है, ये कंप्रेस हो जाएगी और अपने अपनी जगह पे बराबर फिट हो जाएगी। जब ये सस्पेंशन जब लोड आएगा तो जब दबेगा तो ये टेनिस बॉल एक्चुअली ये एयर बैग जो होता है उसी के फंक्शन है, बस फर्क इतना है कि उसमें कॉम्प्रेसर होता है एयर सप्लाई करने के लिए। इसमें कोई सप्लाई करने के लिए एयर कॉम्प्रेसर का यूज़ नहीं किया गया है, इसमें ऑलरेडी एक टेंशन है, एक बॉल है, बॉल को पैक किया है, उसमें जो टेंशन है वो टेंशन का ही यूज़ कर रहे हैं। और 6 बॉल बोलने से फिर भी नहीं तो भी अच्छा खासा टेंशन क्रिएट कर लेता है। तो आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो आप अपने गाड़ी में कुछ चेंजेस कर सकते हैं अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा लोग उधर जाते हैं तो। ठीक है, थैंक यू।